मामला यह है कि लगातार जिस तरह से पूरे प्रदेश की पुलिस निशाने पर थी, विपक्ष के निशाने पर थी, और कुल मिलाकर निशाने वाली बात भी थी, क्योंकि जिस तरह से विकास दुबे उत्तर प्रदेश से सीधे मध्य प्रदेश पहुंच गया उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने, उससे यूपी पुलिस पर एक सवालिया निशान लगना लाजमी था। और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या, जिसमें कुछ पुलिस के आला अधिकारी शामिल थे, और उन पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने भी कल सवाल उठाए विकास की गिरफ्तारी पर कि अगर अपराधी को मारा नहीं गया तो फिर छूटने के बाद अपराधी बड़ी वारदातों को अंजाम देगा। विकास दुबे पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका था और उत्तर प्रदेश पुलिस को वह ठकाने में कामयाब रहा, लेकिन कहीं ना कहीं विकास दुबे को सरकार से और खाती का भी सपोर्ट मिल रहा था। जिस तरह से पुलिस चाहे जो पुलिसकर्मी उसके थाने क्षेत्र में आता था, उसके साथ बैठकर चाय पीता था, तो पुलिस से तो उसकी अच्छी खासी जमती थी। पुलिस उसे बराबर मुखबिरी करती थी, सूचना देती थी कि तुम्हारे घर पे दबिश पड़ने वाली है, लेकिन खादी के नेताओं का भी संरक्षण उस विकास दुबे को प्राप्त था। कल मध्य प्रदेश पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में, तो वहां से उसे सीधा उत्तर प्रदेश पुलिस लेकर कानपुर आ रही थी। आपको बता दें कि सीजेएम चित्रा त्रिपाठी की तृप्ति त्रिपाठी की कोर्ट में उसे पेश होना था, लेकिन कानपुर के बर्रो थाना क्षेत्र के पास गाड़ी अचानक पलटी एसटीएफ की, जिसमें कई एसटीएफ के पुलिसकर्मी सवार थे और उसमें विकास दुबे भी सवार था। विकास दुबे हथियार लेके भागने की कोशिश की, तभी एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया। और पूरे प्रदेश में आज खुशी की लहर है, खुशी की लहर उन परिवारों में है जिसने अपने बेटे को खोया है, उन पत्नियों के चेहरे पर खुशी की लहर है जिन्होंने अपने पति को खोया है, उन बच्चों के चेहरे पर खुशी की लहर है जिन्होंने अपने पिता को खोया है। और विकास दुबे जैसे आतंकी गतिविधि, इसे साफ कहा जाएगा क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पुलिसकर्मियों की हत्या की, विकास दुबे जैसे व्यक्ति का लोगों को यही कहना है कि समाज में रहने का कोई हक नहीं है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी छिटाकांसी के बाद अपने मोरल को बढ़ाने में एक बार फिर से कामयाब रही।